नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चेफ अड्डा में। दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पिछले एक महीने से तनातनी खत्म करने के लिए आज भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में गलवान एरिया, पेंगोन तसो और गोगरा एरिया पर चर्चा होने की उम्मीद है और LAC पर मई से पहले की तरह स्थिति बहाल करने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से चीन जिस तरह से आग उगल रहा है उससे इस बैठक के नतीजे को लेकर कई सवाल पैदा होने लगे हैं। इससे ये भी आशंका पैदा होने लगी है कि क्या इस मीटिंग का हश्र भी पिछली तमाम बैठकों की तरह ही होगा। हालांकि यदि चीन ऐसा करता है तो उसे इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों को बता दें कि इस बैठक पर अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर मुल्कों के अलावा चीन और भारत के पड़ोसी देशों की भी नज़र टिकी रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि चीन ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था और भारत का भी रुख कुछ ऐसा ही रहा था, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की इस पर खास नजर होगी ही। चीन भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के कारण पहले से ही उसकी इकोनॉमी में सेंध लग चुकी है और कोरोना ने भी इसे जबरदस्त चोट पहुंचाई है। ऐसे में किसी भी कीमत पर इस मीटिंग से चीन ये संदेश देना चाहेगा कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती और शांति के साथ रह सकता है। दोस्तों को बता दें कि हाल ही के दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच व्यक्तिगत तौर पर जो अच्छे रिश्ते हैं उससे चीन को चिंता होने लगी है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को नाकाम करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल पर अहम समझौता भी किया है। वैसे भी चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों तलवारें खींची हुई हैं। चीन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता करार देने वाली बात अभी भी वहां के लोग भूले नहीं हैं। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ताजा समझौते चीन को बड़ा दर्द दे सकते हैं। जबकि इस बीच चीन ने अपने नागरिकों के प्रति एक एडवाइजरी भी जारी की है कि वो ऑस्ट्रेलिया ना जाएं, वरना उन्हें वहां पर नस्लीय भेद का सामना करना पड़ सकता है। खैर, वो एक अलग बात है। वैसे दोस्तों को बता दें कि ऐसी बात भी नहीं है कि चीन और भारत के बीच ये तनाव महज दो मुल्कों के बीच की बात हो। भले ही ये द्विपक्षीय मसला हो और दोनों ही मुल्क इसे शांतिपूर्वक और बातचीत से सुलझाने की बात कह रहे हों, पर अगर तनाव और गहराता है तो दुनिया के बाकी देश कतई चुप नहीं बैठेंगे। खासकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे कुछ और पश्चिमी मुल्क चीन को संयुक्त राष्ट्र में घेरने की कोशिश करेंगे। कोरोना मुद्दे पर पहले से ही चीन लगातार घिरता जा रहा है और लगातार उसकी किरकिरी हो रही है। वैसे दोस्तों, LAC पर तनातनी की वजह चीन भले ही लद्दाख में भारतीय सेना की ओर से सीमा पर कथित उल्लंघन को बता रहा हो, पर सच्चाई इसके अलग है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति और जानकारी छिपाने के आरोप में चीन पहले से ही चौतरफा घिरा है। वर्ल्ड पावर बनने की चीन की जो चाहत है उसमें कोरोना ने एक बड़ी चोट दी है। हालांकि ये जांच का विषय है कि कोरोना का मकसद क्या था और उसका ओरिजिन क्या था। पर दोस्तों, ऐसे में कमजोर होती इकोनॉमी और बेरोजगारी बढ़ने के डर से चीन ने भारतीय सीमा पर तनाव की चाल चलकर अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्हें नेशनलिज्म का एक झूठा झंडा देने की ये पूरी कवायद बताई जा रही है। मौजूदा वक्त में दोनों ही देशों की तरफ से जंग दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आती है। ऐसे में मुमकिन है कि चीन को ही कहीं ना कहीं कदम पीछे खींचने होंगे, नहीं तो उसको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत के तेवर सख्त ही रहने वाले हैं। इसमें कम से कम चार ऐसे पॉइंट हैं जिन पर भारत का रुख सख्त रहने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत चाहता यह है कि चीन के सैनिक भारतीय इलाके से हट जाएं, LAC पर अग्रिम चौकियों पर तैनात चीनी सैनिकों को वापस भेजा जाए, गलवान में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो काम है उसे जारी रहने दिया जाए। साथ ही भारत ये आश्वासन भी चाहेगा कि सीमा पर अब और हिंसक झड़पें ना हो, क्योंकि पिछले महीने हुई झड़पों में दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हुए थे जिनके कई बार वीडियोस भी सामने आते रहे हैं। और ऐसे में पहले इस तरह की स्थिति का सामना कर चुके सेना के कमांडरों का कहना है कि हो सकता है कि आज की बैठक का तुरंत कोई नतीजा ना निकले और इससे भी आगे की उच्च स्तर पर इस तरह की कई अहम बैठकें हमें देखने को मिले। बता दें कि फिलहाल जो ये बैठक अभी होने वाली है या हो रही है, उस बैठक में वो बैठक जो है वो लद्दाख के चुशूल के सामने चीनी क्षेत्र मोल्डो में आयोजित होगी। मोल्डो टकराव की जो जगह है उससे करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही है। दोस्तों, वैसे ही बैठक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी। इस बैठक में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 14वीं कॉर्प के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। वो चीनी सेना के अधिकारी मेजर जनरल लियू लिन के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी से भरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम आगे भी इसका अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहें।